द टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर इन द टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8 है कि C12 है C6H12O दे रखा है, ठीक है C6 लेकर के चल रहे हैं, C6 ही शायद टाइप से दिखाई दे रहा है, एक इसको काम करते हैं, अलग से लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में C6H12O, और पूछा है टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स कितने होंगे। तो जब कीटोन्स वाले पार्ट को बनाना है तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, ये बाय डिफॉल्ट कंसिडर करना है। C6H12 दे रखा मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाएगा। फार्मूले से भी काउंटिंग कर सकते हैं, फार्मूला वाला पार्ट नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस सॉरी प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा पूरा, बाय 2। यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल लो या हाइड्रोजन एडिशन इंडेक्स बोल लो, इसे निकाल सकते हैं। बाकी C6H12 CnH2n के जैसा फार्मूला है, और ऑक्सीजन को तो काउंट ही नहीं करते थे, तो CnH2n किसका जनरल फार्मूला है, अल्कीन के जैसा, और अल्कीन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो पूछा है कीटोन बनाने के लिए, तो कीटोन बनाने के लिए एक अनसैचुरेशन चाहिए भी, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो एक अनसैचुरेशन तो अपना कीटोन में कवर हो जाएगा। और सवाल में क्योंकि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोला तो हम लोग भी इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बनाएंगे, तो इस केस में C6H12 के हिसाब से अगर सारे स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू करें तो पहला पार्ट कि हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला पार्ट देख सकते हैं। जैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देख के चलेंगे तो इस केस में 6 का कार्बन चेन, और इसमें डबल बॉन्ड कीटोन बनाना है, एल्डिहाइड नहीं बना सकते, तो डबल बॉन्ड सेकेंड पोजिशन पर डाल सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। उसके बाद अगर हम लोगों को कीटोन बनाए तो इस पर डाल सकते हैं, इसके आगे नहीं डाल पाएंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दूसरे साइड से थर्ड हो जाएगा तो इसके आगे नहीं डाल सकते, यहाँ डालेंगे तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा जो सेकंड ऑलरेडी काउंट कर चुके थे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 2 पॉसिबिलिटी हो गया। फिर उसके बाद इसमें स्टीरियो आइसोमर काउंट करेंगे तो स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट एक भी नहीं दिख रहा है, मतलब केवल एक ही आंसर निकल के आना है, इसको अलग कलर से मेंशन करते जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट में। दूसरे में भी स्टीरियो आइसोमर नहीं दिख रहा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे 1 ही स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेगा। फिर तीसरा स्ट्रक्चर, चेन को छोटा किया तो 5 का चेन और 1 का साइड चेन लगा देते हैं, तो अगर यहाँ साइड चेन लगाएंगे तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड डाल ही नहीं पाएंगे, अगर नहीं डाल पाएंगे तो एक ही ऑप्शन है, यहाँ डबल बॉन्ड डाल सकते हैं। फिर सारे पोजिशनल आइसोमर की बात करें तो इसी स्ट्रक्चर में हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कीटोन बनाने के लिए अलग अलग जगह पर डाल देते, सॉरी हाँ इसी स्ट्रक्चर में ऐसा कीटोन वाला पार्ट बना दिया। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ थर्ड कार्बन यहाँ सेकंड कार्बन, उसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि एल्डिहाइड हो जाता। तो इस केस में अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो अभी भी ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट नहीं है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, मतलब यहाँ भी एक आइसोमर और 4 नंबर वाले पार्ट में भी एक आइसोमर, तो अभी तक तो 4 हुआ। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 5 की बात करते हैं, चेन को और छोटा करते हैं, तो 4 का चेन, तो इस केस में हम लोग साइड चेन ऐसा लगा सकते हैं, अगर ऐसा साइड चेन लगाएंगे तो एक डबल बॉन्ड वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी कीटोन के लिए नहीं, इस चेन में तो नहीं हो पाएगा। अच्छा हाँ, ऊपर वाले में एक और चेन कंसिडर करना चाहिए हम लोगों को, तो ध्यान ही नहीं दिया, एक और कंसिडरेशन है इसमें, अगर मान लो कि हम लोग का जो चेन वाला पार्ट है उसमें मिथाइल बीच में हुआ, तो अगर बीच में हो तो भी तो हम लोग यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा सकते हैं, ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया था, अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएंगे तो हाँ यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, अगर एक कायरल सेंटर है इसका मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 के बराबर निकल के आराम से आ जाएगा, और इसमें पोजिशनल आइसोमर नहीं बना पाएंगे क्योंकि बीच वाले पे तो लगा ही नहीं सकते, 3 कार्बन है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बनेगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ लगाओ कार्बन या फिर सबसे राइट साइड के सेकंड नंबर कार्बन पे, वो सेम ही स्ट्रक्चर निकल के आएगा, तो खैर यहाँ पे 2 कंसिडर कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो हम लोग अगले स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 6। स्ट्रक्चर नंबर 6 में चेन को छोटा किया, 4 का चेन, तो इस केस में 2 का साइड चेन दोनों एक ही पे लगाया तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा सकते हैं, कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, मतलब यहाँ वाले पार्ट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 1 के बराबर होगा। और अगर हम लोग चेन को ऐसा बना दें
तो ना इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा पाएंगे ना इस पे लगा पाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो टोटल कितने हो गए भाई, 4, 2, 6, 1, 7 होना चाहिए आंसर अपना। एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 है और वही मैक्सिमम है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। ऑप्शन 7 अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए।